अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्या क्या कैनेडा में हम डिपेंडेंट वीज़ा स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, कैनेडा में भी आप डिपेंडेंट वीज़ा स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो स्पेशली जो कपल्स हैं जो मैरिड हैं उनकी साइड से ये क्वेश्चन आता है कि क्या कैनेडा में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो स्टूडेंट्स, अगर तो हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कनाडा में आप स्पाउस वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कनाडा अलाउ करता है कि आप विद स्पाउस या विद योर डिपेंडेंट आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो मेन एप्लीकेंट होता है वो उसे स्टडी परमिट मिलता है और जो उसका स्पाउस या डिपेंडेंट होता है उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है। तो इस तरह से वो दोनों एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो स्टूडेंट को पहले ग्रांट कर दिया जाता है, लेकिन जो उनका डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा होता है वो कुछ वीक्स के बाद उनको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। और अगर आपका कोई बेबी है तो अगर वो भी आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहा है तो उसके लिए आपके जो बेबी होगा उसे विजिट परमिट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या किन किन को अप्लाई करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि अगर तो आप अंडरग्रेड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में जो आपका डिपेंडेंट वीज़ा है ना उसमें आपके चांसेस कम होते हैं। और मोस्टली कंसल्टेंट या इवन के हम भी आपको ये रिकमेंड नहीं करते कि आप अंडरग्रेड प्रोग्राम में विद डिपेंडेंट अप्लाई करें, क्योंकि अंडरग्रेड में आपके चांसेस कम होते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप अंडरग्रेड प्रोग्राम्स के लिए विद डिपेंडेंट या विद स्पाउस अप्लाई करें। लेकिन ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आप उस केस में अंडरग्रेड में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अंडरग्रेड स्टडीज के लिए अप्लाई ना करें। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर्स में स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप मास्टर्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप मास्टर्स में विद डिपेंडेंट या विद स्पाउस अप्लाई कर लें, क्योंकि मास्टर्स में आपकी एक एज हो जाती है कि जिसमें आप विद स्पाउस या विद डिपेंडेंट आप ट्रैवल कर सकते हैं। और एज कम्पेयर टू अंडरग्रेड, मास्टर्स में आप मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए आपके चांसेस मैक्सिमम होते हैं कि आपको एम्बेसी स्टडी प्लस ओपन वर्क परमिट यानी डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा आपको ग्रांट कर देती है। और अगर हम अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड के अलावा पीएचडी की अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपका पीएचडी में इन दोनों से ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं कि पीएचडी के स्टूडेंट्स काफ़ी मेच्योर होता है, ठीक है, उसमें आप विद डिपेंडेंट या विद स्पाउस ट्रैवल कर सकते हैं। और उसकी अगर हम वीज़ा रेशियो या वीज़ा चांसेस की बात करते हैं तो वो एज कम्पेयर टू अंडरग्रेड और पोस्ट ग्रेड आपके मैक्सिमम होते हैं। तो अगर तो स्टूडेंट्स आप अंडरग्रेड के स्टूडेंट हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप विद डिपेंडेंट या विद स्पाउस अप्लाई करें। और अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं देन आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो उनमें मोस्टली ये रिकमेंड किया जाता है कि आप एक इनटेक देखें कि आप किस इनटेक में जाना चाह रहे हैं, कौन सा राइट इनटेक है स्टडी वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करने का। उसके साथ ये है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत मैटर करता है, आपका DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती हैं और ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखते हुए स्टूडेंट वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर आपका सेम ही है कि सबसे पहले मेन एप्लीकेंट का एडमिशन होगा, ठीक है, एडमिशन DLI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में करवाएं। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाए देन आपका जब वीज़ा फाइल करते हैं तो आप विद स्पाउस या विद डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप विद डिपेंडेंट या विद स्पाउस ट्रैवल करना चाह रहे हैं कनाडा में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको विद डिपेंडेंट या विद स्पाउस अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उसके अलावा अगर आप USA, UK या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारी कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन लेने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, या अगर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑफिस नंबर 205 सेकंड फ्लोर सेंची टावर कलमा चौकला हो। थैंक यू।